देख रहे हो यहाँ से बाइक टूट गई यार। फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा है यार, मत दिल में चोट लगी यार। आज पहली बार ऐसा सीन हो गया यार। ये देख रहे हो मत वही ना आगे नहीं, मैं पीछे वाला ये। एवरीवन कैसे हो सब? होप सो के सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो भाई आज का व्लॉग मैं कर रहा हूँ सिद्रा से स्टार्ट। सिंपल है पावर, सिंपल नहीं है। सो भाई लोग अभी हम पहुंच गए पेट्रोल पंप। सबसे पहले डलवा देते हैं पेट्रोल, क्योंकि पहले जेब में पैसे देखने दो कितने। भाई लोग ये खर्चा मिला था घर से, टोटल एक हफ्ते का ये खर्चा है। बस इसी में अपना पेट्रोल डालना है ना, आपको देना पड़ेगा। ये पकड़ लो फिर रख लो। मीटर ज़ीरो किया कि नहीं? 5 पॉइंट चढ़ गए, चलो मतलब एक हफ्ता निकल जाएगा अपना। सो निकलते हैं अभी यहाँ से। तो भाई लोग पापा चले गए एक्चुअल में घर, और उन्हें 500 दिया था बिना बोले। आज मैंने नहीं बोला कि मुझे पैसे चाहिए, उन्हें टोटल 500 दिया मुझे। वो 3 से 4 दिन के लिए घर चला गए, बट मेरे पास तेल नहीं था। मैंने प्रेफर किया कि मैं अपनी बाइक को ही तेल डालूं, क्योंकि मतलब खाना तो इंसान कहीं भी खा लेगा, बट सबसे मेन चीज़ है अगर अपनी बाइक में पेट्रोल नहीं होगा तो बीच रास्ते में हम खज्जल हो सकते हैं। इसलिए मैंने प्रेफर किया कि अपनी बाइक में पेट्रोल डाल दूँ। पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला था ऑलमोस्ट, सो मैंने उससे पहले मैं डला देता हूँ। यहाँ पे खड़े रहना ठीक नहीं है भाई। भाई मैं निकल रहा हूँ, चलो फिर। सो भाई लोग अभी यहाँ पे हमारे मानिक भाई विली मारने वाले हैं, वो भी लंबी वाली। ओ भाई क्या बात है, अभी विली मारने वाले, मैं इनके साथ चलने वाला हूँ। चलो वाह मैन सेक्सी। ओ भाई मैंने ब्रेक मारी बट नहीं बची यार। ओ भाई मैंने सीधा पीछे इसके साथ बचा यार, बट कुछ नहीं हुआ। नंबर प्लेट थोड़ी लगी तेरी शायद। सीन कुछ ऐसा हो गया यार, जैसे कि आप देख रहे हो और ये देख रहे हो, यहाँ से बाइक टूट गई यार। फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा है यार, मतलब दिल में चोट लगी यार। आज पहली बार ऐसा सीन हो गया यार। ये देख रहे हो मतलब ये टायर इसके साथ बजे और ये ना टूट गई इसकी चीज़। मैंने ध्यान नहीं दिया, बट जब बंदा बोलने लगा कि तेरी बाइक बजी, आवाज़ तो आई थी बट मुझे लगा कि मरघाट छरघाट का कुछ है, टायर बजा होगा। बट सीन कुछ ऐसा हो गया, देख रहे हो यहाँ से टूट गई यार बाइक। बहुत दुख लग रहा है यार, क्या किया मैंने यार। बट एक मिनट, यहीं से पता चल जाएगा ना इसके। हाँ ये टेढ़ा हो गया तेरा, इसका टेढ़ा हो गया। बट मुझे नहीं पता कि ये स्टॉप ही मारने वाले हैं। बट यार क्या बोलूँ, मतलब थोड़ा बुरा लग रहा है मुझे यार कि मेरी गलती है इसमें यार। मैंने ब्रेक मारी, बट कभी कभी पहली बार तुम्हारी बाइक से ऐसा सीन होगा, बट दिल को ना छू गया ये चीज़ें, टूटी ना यार। नहीं साफ तो हो जाएगा टायर का निशान है, बट ये वाला टूट गया ना थोड़ा, ये जो है निशान तो पड़ गया। मत नहीं जाएगा जब तक मैं इसको चेंज नहीं कराऊँ यार। पहली बार मेरे मतलब लाइफ में पहली बार ऐसा हो मेरे साथ आज तक। मेरे वही ना आगे नहीं, मैं इस साइड आ रहा था, मेरी ब्रेक नहीं लेता था कि यार। यही तो हम बोलते हैं ना एबीएस घंटे, शुक्र करो ज्यादा कुछ नहीं हुआ मैं, पर तब भी मैंने हाँ ओके ब्रेक बजी, मैं गिरने से बच गया, मैंने बाइक कंट्रोल कर ली यार। सो फाइनली गाइज यार निकल गया मैं यहाँ से, बट काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। मतलब जो गंदा सीन हुआ यार, मुझे ना बहुत अफसोस हो रहा है, ये चीज़ जो टूटी ना यार। तो पता नहीं था, अच्छी खासी राइड और थी, बट मैं इनके साथ ही चल रहा था, बट मैंने ना ब्रेक पूरी अप्लाई की। अप्लाई करने के बाद समझ नहीं आ गया कि उन्हें स्टॉप ही मारी ना, मुझे नहीं पता कि वह स्टॉप ही मारेंगे। उन्हें स्टॉप ही मारी, स्टॉप ही मारते मारते मैं सीधा उनके पास पहुँच गया और मेरी बाइक उनके साथ हिट होगी। थोड़ी ज़ोर से हिट हुई, ज़्यादा स्लो भी नहीं, ज़ोर से हिट होगी, बट और पता नहीं क्या सीन हो गया। और देन साइड से टूट गई, मैंने पहले ही देखा, बाद में जब मैं नीचे उतर के मैंने देखा, मुझे लगा कुछ नहीं होगा, साइड से देखा ना साइड वाला पैनल ही टूट गया यार। काफ़ी ज़्यादा दुख लग रहा है यार मुझे ना, जो हो गया पछतावा भी नहीं कर सकता हूँ मैं। मुझे लगता है बाइक में ना अलाइनमेंट भी थोड़ी बहुत हिल गई है यार, ऐसा लग रहा है। और ब्रेक अगली भी काफ़ी कम लग रही है यार, और असल में गलती उनकी भी नहीं है यार, गलती मेरी है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मैं उनके पीछे पीछे चला, गलती मेरी है। ये नहीं कि मैं उनको गलती बोल रहा हूँ जिस भाई ने स्टॉप ही मारी। हाँ इतना है कि मुझे नहीं पता कि वो स्टॉप ही मारने, उनको नहीं पता कि मेरे पीछे चल रहा है। तो क्या बोलें, अब जो हो गया सो, अब क्या कर सकते हैं, पछतावा तो नहीं कर सकते हैं यार। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा सीन हो गया यार,
अभी ना घर जा रहा हूँ, मतलब मूड ना थोड़ा सा खराब हो गया मेरा यार। ये पता होता है स्टॉप ही मारने वाले थे, मैं फिर रुक जाता यार पहले से, बट मैं इनके साथ था। जब मैं पास पहुँचा और जैसी मेरी बाइक हिट हुई, मतलब मेरे ना, मतलब मुझे लगा बस आज मैं गया, आज पक्का कुछ ना कुछ होगा, लगेगी, बट अल्लाह का शुक्र है मुझे कुछ भी नहीं हुआ यार। मतलब बाइक गिरने से भी बच गई, मैंने उधर जाके पता नहीं कैसे कंट्रोल होगा। मैं नहीं बोलूँगा कि भाई मैंने ब्रेकिंग की एकदम, मैंने बाइक कंट्रोल कर दी, ये सब ऊपर वाले की वजह से हो गया कि बच गया मैं नीचे गिरने से, बाइक को नीचे नहीं गिरने दिया। ये तब तक आगे चला गया, मैंने ब्रेक काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करके, फुल ब्रेक अप्लाई की थी यार। ABS ना, मतलब बोलते हैं ना ABS भाई, ABS भी कुछ नहीं, ABS तभी काम करता है जब इसको रुकना होगा। ऐसे का ना थोड़ी नंबर प्लेट टेढ़ी होगी, बट मेरा साइड से पूरा वो टूट गया है यार। मुझे देखते हैं अब शोरूम जाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो बारी आ गई है इसकी इंश्योरेंस क्लेम लेने की। देखते हैं कितना क्या लगेगा इस पर खर्चा, खर्चा तो होगा अगर इंश्योरेंस में हुआ तो, मुझे लगता है इंश्योरेंस में हो जाएगा, मेरा तो फुल इंश्योरेंस है। अब ये नहीं पता है कितने दिन लग जाएंगे इसको इंश्योरेंस में। ठीक है मेरी जान, बाय फिर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके ब्रो, बाय बाय। अगर इंश्योरेंस क्लेम मुझे लेना है तो मुझे बाइक लगानी पड़ेगी कंपनी, ना ये नहीं पता उसके बाद ब्लॉग आएंगे कि नहीं आएंगे। जब तक बाइक नहीं होगी भाई तब तक ब्लॉग कैसे आ सकते हैं यार। मुझसे रहा नहीं जा रहा है बाइक में, एक छोटा सा अगर स्क्रैच भी लग जाता है ना तो मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं उस बाइक को चलाऊं। जब तक बाइक साफ़ ना हो तब तक मुझे मन नहीं करता है चलाने का। और ये तो भाई टूट गई है साइड से यार, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है मुझे। मुझे ना दुख के सिवा कुछ और नहीं आ रहा है समझ। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब मेरे से बाइक टूटी यार। इस आपको पता है कि मैं कितनी बाइक आराम से चलाता हूँ, कभी मैंने बाइक तेज़ नहीं चलाई, बट आज देखो पता नहीं होता है ग्रह कब क्या होगा, ये नहीं पता है। शुक्र है कि लगी वगैरह कुछ भी नहीं, बाइक वगैरह गिरी नहीं, ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, साइड से ही टूटी। अगर फैमिली ने बाइक देखी ना यार बहुत मारेंगे यार। पापा तो यहाँ पे है नहीं, अगर भैया ने बाइक देखी तो फिर पता ही आपको थोड़ा डांटेंगे यार, बोलेंगे ऐसे ऐसे स्टंट करता है तू इसलिए ब्लॉगिंग करता है। फिर आपको पता ही है घर वाले कितना डांटते हैं यार। सो भाई लोग दुआ करो, अगर बाइक इंश्योरेंस पे लगा ली मैंने तो मुझे जल्दी मिल जाए, क्योंकि ब्लॉगिंग करना थोड़ा टफ हो जाएगा। अगर बाइक नहीं होगी तो ब्लॉग कैसे होंगे यार। बस मैं यही सोच रहा हूँ कि बस अगर इंश्योरेंस पे लगाई जल्दी से जल्दी मेरी बाइक वापस आनी चाहिए। बाइक तो अच्छी खासी चल रही है, बट मैं ऐसी कंडीशन नहीं रख सकता हूँ अपनी बाइक की, नहीं देख सकता हूँ मैं इस साल में अपनी बाइक को यार। ये भी नहीं पता है अब कब क्या नेक्स्ट व्लॉग आएगा, तो ध्यान रखें सारे यार, और हमेशा सेफ़ राइड किया करो यार। हर किसी को बोलता है सेफ़ राइड किया करो, बट जब अपने साथ होता है ना तब पता चलता है यार क्या होता है क्या नहीं। सो आपको पता है क्या हुआ मेरे साथ आज? हाँ कैमरा ऑफ है। पता क्या हुआ मेरे साथ? मेरी बाइक टूट गई है, दिख रहा है आपको कैसे बाइक टूटी हुई? देख रहे हो? देख रहे हो? हाँ क्या हो गया यार? खा कसम, मुझे लगा कि इतना ही पार्ट चेंज होगा, पूरा चेंज होगा। इतना सारा क्या? लेकिन तूने किया क्या इसको? हुआ क्या यार? क्या क्या बोलूँ यार, क्या बोलूँ यार, अब क्या हो गया यार? आज पहली बार अकेले निकला था, देखा क्या सीन हो गया यार। यार मैं नहीं रख सकता हूँ ऐसी सिचुएशन में, इसको ऐसे नहीं रख सकता हूँ यार। भाई लोग आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, देख रहे हो कितनी मस्ती से पप्पियाँ ले रहा है मेरे। सो भाई लोग आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताना है। क्या बोलूँ, क्या गंदा सीन कर लिया मैंने। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, अभी देखते हैं इसको इंश्योरेंस वगैरह तो लेना ही पड़ेगा, मैं तो नहीं रह सकता हूँ ऐसे, बाइक नहीं रख सकता हूँ जुगाड़ पे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।